ये पहली बार 10 साल में देखने को मिल रहा है कि ये जो झूठ बोल रहे थे, अपने मैनिफेस्टो के अनुसार जो काम नहीं कर रहे थे और चुनाव आने पर मुद्दे भटका देते थे, तो कांग्रेस सफल हुई है उनको बताने में पब्लिक को कि भाई ये इनके 5-10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगो और फिर इनको वोट दो। तो लोगों में जोश है, इनका झूठ पकड़ा गया है और कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मैं तो 20 साल से 2009 से टिकट मांग रहा हूँ, ये चौथा टर्म है। कांग्रेस पार्टी है और कुछ महादेव की, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम की भी कृपा होनी चाहिए। ये छोटा मोटा पद तो है नहीं, सरपंच आदमी बनता है तो भी हुलिया चेंज कर देते हैं। तो लोकसभा का टिकट है, मेरे कर्मों में लिखा नहीं होगा, अब मिल गया तो जोरदार लड़ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि बछीड़ तो चलो एक मारवाड़ी शब्द है, बट ये बात सही है कि अगर मेरे को लोकसभा में, जैसा मुझे लग रहा है, जनता को जाने को मौका मिला, तो मैं इनके ये जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की मंशा पाल के बैठे हैं, इनके मैं धुएं निकाल दूंगा। मैंने ये कहा था, ये 400 पार कर रहे हैं भाई, आप मीडिया वाले सब 400 पार लिख रहे हो, सब मीडिया बता रहे हैं, मान के बात नहीं है। बात यह है कि जब आपको खाना खाना होता है ना थाली में, तो सेंटर में हाथ नहीं डालते, साइड से डालना पड़ता है। जब आप सब मान ही चुके हो, पूरी दुनिया ही मान रही है, मैं क्या मानूँ। अब जाके पता चला है इनको पिछले 4 दिन में कि भाई जोधपुर राजस्थान में 25 सीटों के कह रही थी, 15 सीटों के लाले पड़ रहे हैं। अब देख लेना रिजल्ट क्या आता है। 11 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं फलोदी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? जोरदार पड़ेगा, राहुल जी आ रहे हैं तो इन चारों सीटों पर, हमारे लोकसभा की 4 सीटों पर बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। जनता के बीच लगातार आप जा रहे हैं, कैसा रुझान देख रहे हैं? हॉट सीट कैसे हो सकती है? केंद्रीय मंत्री बनने से क्या होता है? आदमी बड़ा होता है जो गरीब का काम करता है, जनता का काम करता है। 10 साल में 0 काम, बड़े कैसे हो गए? बड़ा तो काम से होता है, तो बड़े कैसे हुए? छोटे आदमी हैं, काम नहीं करते। पॉकेट में चाबी थी, पेन उनके पास था, चाहते तो नहर आ जाती, पानी नहीं पिला पाए। आप कह रहे हो बड़ा है, परंतु असम सरकार ने अटका दिए थे। मैं MP का चुनाव लड़ रहा हूँ, आज मैं घर घर एक एक आदमी का वोट मांगने जा रहा हूँ, हर आदमी को हाथाजोड़ी कर रहा हूँ, कल मेरे को MP बना दो। ये मेरा हेडेक है कि मैं मेरे मुख्यमंत्री को कैसे सेटिस्फाइड करूं, मेरे प्रधानमंत्री को कैसे सेटिस्फाइड करूं। आप घमंड में रहते ही क्यों? आप इतने घमंड क्यों पालते हो? आप इधर तो बड़े हो जसवंत सिंह से, इधर बड़े हो आप अशोक गहलोत से। आपके घमंड के चक्कर में जनता सफर कर रही है ना। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।